हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 5 सितंबर के एचपी प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो ये हमारी डेली सीरीज चल रही है, तो अगर आपने पहले ही वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के 2 ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कि आपके जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो कितने करोड़ रुपए के जो है वो स्थापित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000 करोड़। ठीक है, तो हाल ही में ही जो है वो एक एमओयू साइन किया गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा और 2 कंपनियों के द्वारा, कि हिमाचल प्रदेश में जो है 1000 करोड़ रुपए के आपके सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होंगे वो 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट होंगे। एक होगा आपका 150 मेगावाट का, ठीक है, दूसरा आपका होगा 100 मेगावाट का। ठीक है, टोटल होगा आपका 250 मेगावाट के 2 पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक में लगेगी 150 वाले में आपके खर्चे जो आएगा वो आएगा आपका 600 करोड़ रुपए और दूसरे वाले में जो आएगा वो आएगा आपका 400 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो 1700 लोगों को जो है इन प्रोजेक्टों के थ्रू रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, मेन चीज जो है आपने याद रखनी है 1000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस साल तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, जो आपकी फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम को कौन से साल तक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार डबल कर देगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 1000 करोड़ रुपए के ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया कि 1000 करोड़ रुपए के ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, एक 150 का, दूसरा 100 का, एक पे 600 करोड़, दूसरे पे 400 करोड़ रुपए खर्चा और 1700 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से 2 जिलों में जो है ये प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, तो वो लगाए जाएंगे आपके ऊना और कांगड़ा में। ठीक है, तो ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रिहाली मेला लगता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेला हाल ही में ही चला हुआ है, तो किस जिले में लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिमला। शिमला में जो है रिहाली मेला लगता है। तो ये फेयर्स वगैरह आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, जब भी आपका एग्जाम आता है तो उस दौरान के फेयर आपको जरूर पता हो और उससे पिछले मंथ वाले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में देश के टॉप 10 जिलों में जो है शामिल किया गया है। जो आपकी पूरे देश की टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो है हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है आपकी शिमला। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर आप जीके स्टडी के साथ नए जुड़े हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से महीने में लगता है। ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए, जो रेणुका फेयर है वो इंटरनेशनल फेयर है और ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। उससे बाद क्या है, यहाँ पर पूछा गया कौन से मंथ में जो है ये लगता है, तो ये लगता है आपका नवंबर में। तो आगे ये आपका मेला आने वाला है, 7 से 12 नवंबर के बीच में जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के रेणुका में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सिरमौर से जुड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि सुकेती जीवाश्म पार्क जो है वो कहां पर स्थित है, तो वो है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और भारत का पहला जीवाश्म पार्क है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है। यहां पर आपके पास ऑफिशियल करेंसी पूछी गई है जापान की। अगर आप मैप देखें तो जापान आपका यहां पर पड़ता है, तो इसकी जो है ऑफिशियल करेंसी पूछी गई है, तो इसकी ऑफिशियल करेंसी है येन। ठीक है, अगर बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल आपकी टोक्यो है जापान की। ठीक है, जो कि आपकी 1869 से कैपिटल है। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय वायु सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। ठीक है, जो आपकी एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स, उसके प्रेजेंट चीफ कौन है, उनके नाम आपको बताना है, तो वो है आपके BS धनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा देश अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माता है, यानी कि किस देश ने जो है आपके अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर बनाए हैं या हमने उनसे लिए हैं। ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही सेप्टेम्बर में ही 8 अपाचे जो आपके हेलीकॉप्टर है वो वायुसेना में पठानकोट बेस में जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, जो भारतीय वायुसेना है उसकी मारक क्षमता जो है वो इससे बढ़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायुसेना में आपके अपाचे शामिल किए गए हैं तो उसका प्रमुख कौन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा एशियाई देश पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों में गश्त करने के लिए एक विशेष पुलिस इकाई को शुरू करेगा। ठीक है, यानी कि स्पेशल पुलिस यूनिट का जो है ये शुरू करेगा, तो वो है आपका जापान।
ठीक है, जापान की मैंने आपको करेंसी और कैपिटल बता दी है, तो चीन, सिंगापुर, मलेशिया बचते हैं, इनकी भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की। देखिए सिंगापुर जो है एक कंट्री भी है और ये इसकी कैपिटल भी जो है वो सिंगापुर ही बोली जाती है, करेंसी जो है इसकी वो डॉलर है। ठीक है, मलेशिया की बात करें, मलेशिया आपका यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, कैपिटल जो है कोलालंपुर है और आपकी करेंसी जो है वो रिंगिट है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जापान आपका वर्ल्ड मैप में यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, कैपिटल जो है इसकी टोक्यो है और करेंसी येन है। ठीक है, चाइना आपका पड़ता है यहाँ पर मैप में, अगर आपको मैप में नहीं पता है तो भी आपको पता लग जाएगा, कैपिटल है जो बीजिंग है और करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, तो एक युआन भी थी इसकी करेंसी पहले, ठीक है, बट अब जो है आपकी ये है, तो ये आपको सभी जो है चारों की चारों पता होनी चाहिए। साथ साथ हम डेली वीडियो में जो है डिस्कस करते हैं अगर हमारे पास कोई भी देश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जो आपकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो एक अवार्ड देती है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, तो उससे जो है किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी भी इन्हें जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जायद मेडल से, तो अब इनको मिलेगा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में से कौन नहीं है। ठीक है, वो इज वन ऑफ द इंडियन बॉलर्स टू हैव टेकन हैट्रिक्स इन टेस्ट टेस्ट विकेट्स, आपको बताना है कौन नहीं है पूछा गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋषभ पंत, और ये मैक्सिमम में सही दिया होगा। ठीक है, बाकी ये जो है वो तीनों है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।